वेलकम टू राम सर इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश आपके सामने करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों लास्ट डे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे थे, वो आपके सामने हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या हैं, उनके राइट ऑप्शन क्या होंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, वो ये है 4 जनवरी से कहाँ पर भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन शुरू हुआ है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, ए दिया था गुवाहाटी, बी दिया था हैदराबाद, सी दिया था नई दिल्ली और डी दिया था बेंगलुरु। यानी कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, नई दिल्ली में। दोस्तों जिनके आंसर गलत थे वो आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 5 जनवरी से कहाँ पर 27वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, ए दिया है हैदराबाद, बी दिया था भोपाल, सी दिया था नई दिल्ली और डी दिया था जयपुर। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, नई दिल्ली में, ये आपका राइट है। जिनका गलत आंसर था वो आप राइट कर सकते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स क्या है आपके सामने है। फर्स्ट दिया है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्गों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा कर दी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, 10% की घोषणा कर दी है, ये आपका राइट ऑप्शन है। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ग जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्गों को दिया जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन के बालासोर हल्दिया दुर्गापुर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, ओडिशा राज्य को, ये आपका राइट है। नेक्स्ट दिया है विश्व राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह GOM ने 60 लाख तक के टर्नओवर पर कितने रुपए की GST की सिफारिश की है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ने डी यानी कि 5,000 रुपए, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट दिया है सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह द्वारा किस राज्य को 2 साल तक 1% प्राकृतिक आपदा शेष लगाने की अनुमति का सुझाव दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, केरल, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में ऑक्टोपस देखे गए हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, कौन सी नदी में देखा गया है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, नर्मदा नदी में देखा गया है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है नेपाल सरकार नया कानून लाने की योजना बना रही है जिसके तहत बच्चों को अपनी आय का कितने प्रतिशत का हिस्सा अपने अभिभावकों के बैंक अकाउंट में जमा कराना अनिवार्य होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन होगा, 5 से 10% तक, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, गुजरात में, ये आपका राइट है। दोस्तों इस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शक बैठ सकेंगे जबकि ऑस्ट्रेलिया के बेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 1,04,000 है, यानी कि इससे भी अधिक लोग बैठ सकेंगे जो कि गुजरात में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर आईसीसी ने दक्षिणी अफ्रीकी टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसी पर कितने टेस्ट मैच का बैन लगाया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, 1 मैच का, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है किस देश के राजा मोहम्मद पंचम ने 6 जनवरी 2019 को राजगद्दी छोड़ दी जिसके साथ ही वह कार्यकाल पूरा होने से पहले राजगद्दी त्यागने वाले पहले राजा बन गए हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा,
यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, मलेशिया देश, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने तंबाकू के पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हैक कर ली है, जिससे उसकी उत्पादकता और वृद्धि में 40% इजाफा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, अमेरिका देश ने, ये आपका राइट है। दोस्तों इसके लिए शोधकर्ताओं ने तंबाकू के पौधे की फोटो रेस्पेरेंस प्रक्रिया में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में द्वै शरण और किसने डाटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताएं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए, सरकार ने कौन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आपस में विलय कर दिया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा यह आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।